Yes, students, assalamu alaikum warahmatullah. We are discussing your fifth chapter of your book, 11th class, Political Science, that is Legislature. Legislature. And you have already learned that legislature is center of democratic process. Government has three organs, executive, legislature, and judiciary. And legislature is the center of democratic process, and in fact it is a law-making body. Legislatures are elected by the people. They make law on behalf of the people. And in India, the national legislature is called the parliament or union legislature. It is bicameral. India has bicameral. You need two houses are there. Lok Sabha, and Lok Sabha is also called lower house, and Rajya Sabha or Council of States, इसे हम upper house भी कहते हैं. Lok Sabha members are the representatives of the represent the people. They represent the people, and the Rajya Sabha members, they represent the states. MLAs elect these Rajya Sabha members. And people directly elect Lok Sabha members, MP, जिसे हम कहते हैं. तो we have two these houses, number one Lok Sabha and Rajya Sabha. We are discussing Rajya Sabha. And what are the, today we will see the functional powers of this Rajya Sabha. What are the functions and powers of Rajya Sabha? Legislative functions of Rajya Sabha. All bills other than money bills originate in Rajya Sabha. All bills other than money bills. Money bills are, you know, money bills. ये bills है ये जो मसौदा कानून होता है इसके तीन वो चार types हैं. There are four types of bills. इन्हें ordinary bill, money bill या financial bill या कहते हैं कि constitutional amendment bill. ये चार bill हैं. जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं ये इसमें ये मनी बिल ये नहीं होती है और ना ये फाइनेंशियल इसमें कोई होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी जिसमें मनी रिलेटेड सब्जेक्ट्स ना हो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब्जेक्ट इट इज ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी बिल है जो ऑल बिल्स जो ऑर्डिनरी बिल होती है वो ऑरिजिनेट दैट ऑरिजिनेट्स इन राज्यसभा यानी ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स नहीं They originate in Rajya Sabha. In case of deadlock on a non-money bill, both houses sit for a joint session where the issue is decided by a majority of members. आप देखेंगे कि जब deadlock होता है, deadlock means deadlock मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि deadlock क्या होता है. Deadlock अगर कभी लोकसभा अगर कभी लोकसभा कोई बिल पास करती है तो उसे राज्यसभा को भेजना पड़ता है. राज्यसभा इसे रिजेक्ट करती है तो इट इज कॉल्ड डेडलॉक. अगर कभी ये एक सूरत है डेडलॉक की. दूसरी सूरत है कि अगर लोकसभा पास करती है एक बिल ये भेजी जाती है राज्यसभा को. राज्यसभा इसे पास करती है लेकिन विद अमेंडमेंट्स. तो इस सूरत में भी इसे हम कहेंगे कि डेडलॉक है. तो तीसरी सूरत है कि लोकसभा अगर पास करती है बिल तो इसे भेजना पड़ता है राज्यसभा को और राज्यसभा इसे 6 महीने तक फॉर 6 months इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर अपने पास रखती है. तो ये इस सूरत में इसे भी कहते हैं कि डेडलॉक होता है. तो इस डेडलॉक की सूरत में क्या कहते हैं. इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन ए नॉन मनी बिल बोथ हाउसेस सिट फॉर ए जॉइंट सेशन. दोनों हाउसेस जो है वो उनका इजलास बुलाया जाता है राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी ए सेशन बुलाया जाता है वेयर द इशू इज डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट. फिर वोटिंग होती है फिर सिंपल मेजॉरिटी आएगी तो सिंपल मेजॉरिटी से ये
ये पास होती है दिल। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि ये नॉन भिन्न मुनी बिलज जो हो, अगर मनी बिलज हो गया तो दूसरी सूरत है। नॉन मुनी बिलज में राज्यसभा रिकमेंडेशन तो उनकी कोई इसमें ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन यहाँ ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है जो नॉन मनी बिलज है। मनी बिलज में ऐसा नहीं है। तो फाइनेंशियल पावर्स क्या है, जो मनी बिलज है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ये खास बात है कि मनी बिल जो होती है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होती है, दे कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। आफ्टर ए मनी बिल इज पास्ड इट इज सेंट टू राज्यसभा। ठीक, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो इसके लिए मतलब इतनी जरूरी नहीं है। हाँ, इसके पास ये पावर है राज्यसभा के पास, इट कैन डिले इट फॉर 14 days, इट कैन डिले इट फॉर 14 days। तो इस तरह तीसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर इसके पास भी है। बोथ हाउसेस आर इक्वल, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होगी, ऐसी बिल आएगी, ऐसा मुद्दा होगा, ऐसा मसला होगा, तो इस सूरत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है और बोथ हाउसेस आर इक्वल, बोथ हाउसेस आर इक्वल और कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। यानी राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल कैसे, कि एग्जीक्यूटिव पर ऐसे डायरेक्टली इनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन दे कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ डिबेट्स, बाय मीन्स ऑफ डिस्कशंस, बाय मीन्स ऑफ जो आप सेशन में वो मुद्दा उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इस सूरत में ये एक ये बनता है, इसका कंट्रोल बनता है एग्जीक्यूटिव पर, ये क्वेश्चन उठाते हैं, ये डिबेट करते हैं, डिस्कशन होते हैं किसी मुद्दे किसी मामले पर। तो इस तरह इस सूरत में इसका कंट्रोल भी बनता है एग्जीक्यूटिव पर, क्योंकि ये ओपिनियन को चेंज भी करवा सकते हैं। एंड दे एक बात है कि दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स। इसमें जो लोग होते हैं वो सीनियर होते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस या वो एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ फील्ड के। तो हम इसे कहते हैं कि ये राज्यसभा जो है हाउस ऑफ एल्डर्स भी इसे इन्हें कहा जाता है, और इस लिहाज से भी ये इनकी अहमियत होती है। और बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बिल्स, बहुत सारे कानून इन्हीं इनकी डिस्कशंस, इनके वो क्वेश्चंस, इनके जो डिबेट्स, इन्हें बहुत ही वेटेज दी जाती है। और मिसिलेनियस पावर्स हैं उनके पास, यानी दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं, प्रेसिडेंट का क्या इंतखाब, वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब, इन्हें पूरा वोट देने का हक होता है जो वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दे अगर कभी इम्पीचमेंट का यानी प्रेसिडेंट या किसी और के ओहदे के लिए इम्पीचमेंट का मामला हो, तो ये कि दे कैन इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इन्हें इनके पास ये भी पावर है कि दे इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कभी ऐसा भी होता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ए जुडिशियल पावर टू देम, ये जुडिशियल पावर इनके लिए, ये इन्हें जुडिशियल पावर देता है। अच्छा, और इनकी अगर कहीं सेंटर में या मुल्क की बाकी रियासतों में कभी इमरजेंसी का निफाज करना हो, तो राज्यसभा की जो अप्रूवल है वह बहुत ही अहम और जरूरी है। तो द अप्रूवल फॉर द इमरजेंसीज इज अप्रूवल ऑफ दिस राज्यसभा, ये बहुत ही अहम है। और एक और चीज है जो ये आर्टिकल 249, ये एक आर्टिकल है, इसके तहत दे कैन पास रेजोल्यूशन empowering parliament to make law of state list। ये तीन central list, concurrent list और state list होता है, जो उमूर होते हैं state list में, उस पर ये एक resolution भेज सकते हैं parliament को कि इन state list पर काम किया जाए, इस पर ये जो state list है इस पर कानून बनाया जाए। ये भी इनके पास ही एक power, ये इनके पास ही power है। तो हम देखते हैं कि इस तरह राज्यसभा की अहमियत भी ऐसी है जैसे कि दूसरे हाउस लोकसभा की है। अगरचे लोकसभा
का कार्यकाल काम और अहमियत और एम्पावरमेंट वो ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा भी ऐसे ही बहुत ही अहम हाउस है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।